एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक में स्थित लोहाड़ी मूल गांव पहुंची। इस समय आकेश को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 2000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। लगभग 800 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में एक भी पेंशन लाभार्थी नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकारी सुविधाओं का गांव में बहुत अभाव है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 100 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 30 हैंडपंप लगवाए गए हैं। 30 हैंडपंप वो सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 40 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान गांव में विकास कार्य कराने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन राज्य सरकार व केंद्र सरकार से विकास कार्यों के लिए मिलने वाली धनराशि समय से न मिल पाने के कारण गांव में विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। ग्राम प्रधान लोहारी बोर्ड से आकेश बोल रहा हूँ। सरबत जय, हमारे गांव में इतनी समस्या है कि रास्ते सारे गंदे पड़े हुए हैं, आगे से पैसा नहीं आ रहा। और मतलब ये समझ लो कि मतलब जिले पर जाके कहते हैं, मतलब अधिकारियों से, DPRO, CDO वगैरह से, वो कहते हैं भाई कोई आगे से पैसा नहीं आ रहा, कर्ज माफी में चला गया, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ मतलब गांव वाले हमें परेशान करते हैं कि मतलब प्रधान जी आप कुछ नहीं करा रहे। मतलब आप तो कहते थे कि मतलब बोले उनको बहुत पैसा आएगा, गाँव स्वर्ग बन जाएगा, ये होगा, वो होगा। और शौचालयों का भाई साहब ये मैटर है, शौचालयों के लिए एक किस्त तो भेज दी, उस एक किस्त से मतलब हारे नीरे लोग होते हैं वो मतलब एक किस्त से कैसे बना लेंगे उन्हें, वो परेशान है। और हमसे कह रहा है कि फोटो अपलोड करो उनकी, कंप्लीट करा के हम कहाँ से कराएं, मतलब क्या करें, मतलब अपनी जेब से भी पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ हम करा रहे हैं लेकिन कहाँ तक कराएंगे। मतलब हम अपनी जमीन बेच के थोड़ी लगाएंगे साहब, मतलब इसमें कुल मानदेय का मैटर है साहब। मतलब मानदेय बताओ, हम दिन रात भागे फिरते हैं, मतलब हमारा क्या मानदेय है। मतलब इतने का तो पेट्रोल, इससे भी ज़्यादा का तो पेट्रोल भूख जाता है, 3500 से ज़्यादा का। तो सारी समस्या है, मतलब ग्राम पंचायत में कोई बीमार है, रात को फोन आया था, उसके साथ जाना है, सारे काम है। मतलब प्रधान से ज़्यादा टेंशन किसी को नहीं है, एक सांसद को नहीं है, एक मंत्री को नहीं है, जितनी प्रधान को है गांव के अंदर। और गांव से ही सारा काम होता है साहब। मतलब गांव के ही लोग मतलब किसान है, यहां से मतलब सारी जनता मतलब खा रही है, पी रही है, अन्न पैदा होता है, सारा काम करते हैं। यदि किसान ही परेशान होंगे, मतलब गांव परेशान होंगे, तो फिर मतलब देश में क्या होगा। बस इतना ही कहना, नमस्कार सर। तो प्रधान का अपने घर से लगाएंगे, बात यह है सारी भाई, प्रधानों को पैसा मिलेगा जब तो लगाएंगे। गाँव में तो आबादी ज़्यादा है, गाँव में विकास होना चाहिए। गाँव में देखना रहे सारा, ये खड़ा जाओ यहाँ, एक बस और एक उधर है,